हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम थ्री नीडल से 3D फ्लावर बनाएंगे जो काफ़ी कमाल का होने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखें। और ये तीन धागे जो एक साथ चलने वाले हैं, तो चलिए इनको हम नीडल में फिलअप करते हैं। आपको शेड बनाना हो उस तरीके से आप इसका नंबर रखें। साइड में डार्क रखना है या लाइट रखना है, बीच में डार्क रखना है या लाइट रखना है, जैसे कि आपको बेटर लगे वैसा आप धागा डाल सकते हैं सुई में। तो चलिए सबसे पहले हम इस फ्लावर की पत्तियों को बना लेते हैं। और ध्यान रहे कि ये 3D फ्लावर होने वाला है। इस तरह का फ्लावर हमने पहले भी सिंगल नीडल में बनाया है चैनल पे, लेकिन आज ये 3D नीडल का होने वाला है। तो जैसे कि आपने हमारे पिछले वीडियो में देखा था कि 3D नीडल से हम किस तरीके से पत्तियों में शेड देते हैं, और आपका इसमें टाइम भी बच जाता है और काफ़ी फिनिशिंग के साथ ये पत्तियाँ वगैरह बनती हैं इनसे शेड वाली। तो देखिए ये किस तरीके से इतना आसानी से आप एक ही बार में इसको रोटेट करके पत्ती को कंप्लीट कर ले रहे हैं, क्योंकि आप सिंगल नीडल से बनाते तो आपको तीन बार में आपको ये कंप्लीट करने होते। दोस्तों, 3D नीडल के सेटअप के बारे में और जानने के लिए आप इस वीडियो के लास्ट में जो वीडियो देखेंगे उससे काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। तो ये तो हमारे हो गए बेनिफिट, जो कि हम टाइम भी इसमें बचा सकते हैं और काफ़ी अच्छी फिनिशिंग जो शेड वाली होती है उस तरीके से हम इसको बना भी सकते हैं। तो दोस्तों, इस फ्लावर की पत्तियों को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब ये जो बीच में हम 3D वर्क करने वाले हैं, इसके लिए हम अलग कपड़े पे कुछ वर्क करेंगे। तो देखें आगे क्या होने वाला है, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है ये, तो वीडियो को आप बिल्कुल स्किप ना करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप अगर हमारे पुराने व्यूवर्स हैं तो आपको हम सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहेंगे कि आपने हमारे पिछले 3D नीडल वाले वीडियोस को बहुत सारा प्यार दिया, और आप लोगों का ऐसे प्यार चैनल पे बना रहे। और हम भी आपके लिए कोशिश करेंगे कि कुछ एडवांस्ड टेक्निक एंड कुछ अलग चीज़ों को हम आपसे शेयर करें। तो देखिए किस तरीके से हमने एक ही बार में इसको फ्रेम को रोटेट करके इस पेटल को बना लिया है, और इसको अब हम कटवर्क करके उस फ्लावर के जो पत्तियां हैं उनके बीच में हम इसको पेस्ट कर देंगे। और सिलाई के ज़रिए पेस्ट करना है। तो देखिए यहाँ पे ये फ्लावर कंप्लीट हो चुका है, काफ़ी खूबसूरत सा ये फ्लावर लग रहा है बनने के बाद। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं फिर अगली कोई वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।